हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम श्रेया श्रीवास्तवा, योर बायोलॉजी टीचर। सो आज फिर से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 8th का चैप्टर 7, विच इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग आज के सेशन में देख लेते हैं कि चैप्टर का ओवरव्यू क्या है। इससे क्या होता है कि क्लियरेंस हो जाएगी माइंड में कि हमें पढ़ना क्या है एग्जैक्टली, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे इस चैप्टर का, एंड देन वी विल सी द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब इसके पहले हम लोग क्या देखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, ये सब हम आज के सेशन में देखने वाले हैं, ओके। एंड उसके बाद हम लोग कॉजेस देखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन के कॉजेस क्या क्या होते हैं, ये कैसे होता है, ये हम लोग देखेंगे। सो द नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ओके। अब डिफॉरेस्टेशन ये जो वर्ड है, मैं आपको बताऊंगी कि इस वर्ड का मतलब क्या है। ये जब हो गया उसके बाद इसके जो अल्टीमेट रिजल्ट्स हैं वो क्या होते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे, राइट। सो आज के सेशन में तो बेसिकली हम यहीं तक देखने वाले हैं, बट चूंकि हम लोग पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे रहे हैं, सो हम लोग जान लेते हैं कि चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, राइट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बायोस्फेयर रिजर्व, फ्लोरा एंड फौना ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, एंडेमिक स्पीशीज हम लोग देखेंगे कि किस स्पीशीज को बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखेंगे, नेशनल पार्क्स देखेंगे, रेड डेटा बुक का मतलब जानेंगे हम लोग, माइग्रेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, एंड द लास्ट इज रिफॉरेस्टेशन। सो हमने शुरू करा था डिफॉरेस्टेशन से, एंड लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, रिफॉरेस्टेशन, ओके। ये जो चैप्टर है प्लांट्स एंड एनिमल, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये बेसिकली ये चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, आपको क्या लगता है? अच्छा, आप जब घर से बाहर निकलते हो, राइट, जब आप अपने घर से बाहर स्टेप आउट करते हो तो आप क्या देखते हो? सबसे पहले आप पेड़ देखोगे, पेड़ पौधे एंड बर्ड्स जो भी हैं वो सारे देखोगे, राइट। अब पहले से आज को कंपेयर करते हैं, राइट। अब जो पहले था, पहले लाइक अगर आपको याद होगा, अगर या फिर आपके घर में आपको किसी ने बताया होगा दैट कि पहले ऐसा होता था, तो आप लोग जानते होंगे कि पहले ये जो छोटी छोटी चिड़िया होती है, मे बी उसको क्या बोलते हैं, स्पैरो बोलते हैं, राइट। तो ये जो स्पैरोज है, ये पहले, मैं 10 साल पहले की बात कर रही हूं मे बी, तो पहले में क्या होता था, ये सारे स्पैरोज का नंबर बहुत ज्यादा था, हमें ये हमेशा देखने को मिलती थी जहां तहां उड़ते हुए। पैरट्स का नंबर बहुत ज्यादा था, राइट। ये जो पैरट्स होते हैं, ये जो हम लोग पालते हैं खरीद करके लाके, इनका नंबर बहुत ज्यादा होता था, राइट। ये क्या होता था, उड़ते रहते थे, जो हम लोग इन्हें खरीद के लाते हैं अभी, ये नॉर्मल बर्ड्स की तरह उड़ते रहते थे। अभी भी बहुत सारे प्लेसेस में ऐसा है कि पैरट्स आर अवेलेबल लाइक नॉर्मल बर्ड्स, लेकिन ऐसी जगहें बहुत कम है। तो ये कम क्यों हुआ है, इसके बारे में आप लोग सोचिए वीडियो पॉज करके। तो ये कम क्यों हुआ है, ओके, मैं बताती हूं। ये कम हुआ है जैसे हमारी अर्बनाइजेशन बढ़ती गई है। अर्बनाइजेशन मींस हम जैसे जैसे मॉडर्न हो रहे हैं, राइट, अर्बनाइज हो रहे हैं, जैसे जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, रोड्स बन रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जो नेचुरल हमारे पास जो नेचुरल हैबिटेट है एनिमल्स का, मान लेते हैं कि हमें यहाँ रोड बनाना है, राइट, कोई जंगल है, हम उसको बीच से रोड बनाना है, हमें उसके बीच से रोड बनाना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले काम क्या करेंगे, पेड़ को काटेंगे, ऑफकोर्स काटेंगे, राइट, पेड़ काट के ही हम रोड को बनाना स्टार्ट करेंगे, ओके। एंड मान लीजिए, सपोज करिए कि आपके घर के आसपास कोई खाली
लैंड है जहां के पर की पेड़ पौधे सब उगे हुए हैं, राइट। कोई बिल्डर आता है, बहुत पैसे वाला है, एंड देन उसे वहां पर बिल्डिंग खड़ी करनी है, अर्बनाइजेशन करना है, यानी कि मॉडर्न बनाना है उस जगह को और बिल्डिंग बनानी है, राइट। वो क्या करेगा, वो सबसे पहले पेड़ को हटाएगा वहां से, साफ करेगा उस जगह को, राइट। ही विल क्लियर द लैंड फॉर हिज ओन बेनिफिट्स, राइट। ही विल क्लियर द लैंड फॉर हिज ओन बेनिफिट्स एंड फिर वो क्या करेगा, उस पर बिल्डिंग बना देगा। इससे हमें क्या फायदा, क्या हुआ फायदा, तो चलो ये हुआ कि बिल्डिंग एक बन गया, और नुकसान क्या हुआ है कि जो नेचुरल हैबिटेट है, जो नेचुरल रहने की जगह है एनिमल्स की, वो हमने छीन लिया उससे, राइट। सो दिस इज ओनली कॉल्ड डीफॉरेस्टेशन। डीफॉरेस्टेशन वर्ड से आपको क्या समझ में आता है, डीफॉरेस्टेशन। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि हम लोग ऐसे 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 मीन्स तरीके से अर्बनाइजेशन से जो कि हैबिटेट का हानि हो रहा है प्लांट्स एंड एनिमल्स को, उसे हम लोग कैसे रोक सकते हैं, कैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स को, फॉरेस्ट्स को, अपनी जो कंट्री की वाइल्ड लाइफ है उसे हम लोग कैसे सेव कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस हमारी गवर्नमेंट ने दिए है, हमें क्या क्या हमारे पास सुविधा है, फैसिलिटीज हैं उसे सेव करने के लिए, यही सब हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर में। एंड इस सेशन में बेसिकली हम लोग सिर्फ डीफॉरेस्टेशन के बारे में देखने वाले हैं, उसके कॉजेज एंड कंसीक्वेंसेस। कंसीक्वेंसेस मींस द इफेक्ट्स, इफेक्ट्स ऑफ डीफॉरेस्टेशन के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो जो डीफॉरेस्टेशन वर्ड है इसका मतलब मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, राइट। बट इसका जो प्रॉपर डेफिनेशन है ये हम लोग देख लेते हैं। क्लियरिंग द फॉरेस्ट लैंड, जब कोई, जैसे मैंने आपको उस बिल्डर का एग्जाम्पल दिया था कि वो आपके घर के बगल की कोई जमीन है उस पर उसे बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले जो लैंड है उसे क्लियर करेगा, राइट। तो हम यहाँ फॉरेस्ट लैंड की बात कर रहे हैं, राइट। क्लियरिंग द फॉरेस्ट लैंड, क्लियर करना, फॉरेस्ट के लैंड को क्लियर करना फॉर सम अदर पर्पसेस, फॉर सम अदर पर्पसेस, किसी और काम के लिए, फॉर सम अदर पर्पसेस, राइट। जैसे पर्पसेस क्या हो सकते हैं, सबसे पहले तो मेकिंग रोड्स, हमें क्या क्या जरूरत पड़ सकता है उस लैंड को क्लियर करने का, अगर वो पेड़ पौधा उगा हुआ है तो हमको क्या दिक्कत है उससे, लेकिन अगर मुझे कोई जरूरत पड़ेगी, कैसी जरूरत, जैसे कि रोड बनाने की जरूरत पड़ेगी तो मुझे उसे क्लियर करना होगा, राइट। इंडस्ट्रीज, हमें कोई फैक्ट्री बनानी है, हमें अपना खुद का फायदा देखना है तो क्या होगा, हमें उसे क्लियर करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज बनानी है अगर तो, राइट। एंड नेक्स्ट इज कल्टीवेशन, मान लेते हैं कि मुझे खेती करनी है तो जो वाइल्ड पेड़ पौधे हैं जो ऐसे ही वहां उग गए हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। आपका जो फर्स्ट चैप्टर था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कल्टीवेशन प्रोसेस है, जो क्रॉप ग्रोइंग का प्रोसेस है, ये कैसे चलता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है, राइट। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलता है एंड हम लोग इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते या सीड्स को ऐसे ही फेंक के नहीं छोड़ सकते कि अपने ही उग जाएगा भाई, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ओके, सो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, राइट। तो जो हमारे पास वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, वाइल्ड जो प्लांट्स हैं, सॉरी एनिमल्स मैंने बोल दिया, जो वाइल्ड प्लांट्स हैं हमारे पास, उसे हम लोग अगर कल्टीवेशन करना चाहते हैं, राइट, तो जो वाइल्ड प्लांट्स हमारे पास हैं हमें सबसे पहले उसे हटाना पड़ेगा, राइट।
लैंड को क्लियर करने पड़ेगा, उसके बाद ही तो हम लोग, मैंने जब आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, तो उन प्रैक्टिसेस को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, जो कि वहां पहले से उगे हुए वाइल्ड प्लांट्स हैं, उन्हें हटाना पड़ेगा, तभी कल्टीवेशन होगा, राइट। उसके बाद ही तो हम लोग सॉइल को ब्लॉक करेंगे, सीड्स डालेंगे, एंड देन मुझे जो क्रॉप ग्रो करना है वो ग्रो करेंगे, राइट। ओके, अब जो मुझे क्रॉप ग्रो करना है, आप बोलोगे कि मैंने तो बोला डीफॉरेस्टेशन अपने फायदे के लिए, बिल्डिंग विल्डिंग बनाने के लिए ये हटाते हैं फॉरेस्ट, लेकिन यहाँ तो कल्टिवेशन हुआ है, कैसे डिफॉरेस्टेशन हुआ, आप पूछोगे। बट इसका माइनस पॉइंट क्या है कि जब मैंने वाइल्ड प्लांट्स को वहां से हटा दिया, राइट, जो नेचुरल प्लांट्स थे वहां से उनको हटा दिया मैंने, तो क्या हुआ, जो एनिमल्स उसमें रहते थे उनको भी हार्म हुआ, राइट, क्योंकि उनको अब कल्टीवेटेड एरिया में तो एनिमल्स आके नहीं रहेंगे ना, जहां मैंने क्रॉप लगाया है, क्रॉप फील्ड है, वहां तो शेर चीता और बाघ आके नहीं रहेगा, राइट। तो उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, जो नेचुरली उनको भगवान ने दिया है रहने को, मैंने उसे क्या किया, हटा दिया, क्लियर कर दिया, राइट। तो इससे दो हार्म हुए, पहले तो मेरा जो वाइल्ड, जो नेचुरल मेरे पास था हैबिटेट वो गया, राइट, एंड जो एनिमल्स मेरे पास थे उस जगह में जो रहते थे वो भी गए, राइट। तो इससे क्या हुआ, हमारा हार्म हुआ। सो डिफॉरेस्टेशन हम लोग कल्टीवेशन के लिए भी करते हैं कभी कभी, राइट। बिल्डिंग हाउसेस ये तो सब जानते हैं, अगर किसी को घर बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो डिफॉरेस्टेशन का ये लोग सहारा लेंगे, राइट। देन मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, ठीक है। अब ये जो आपके घर में सोफा होता है, अलमारी होता है, एंड कबर्ड्स होते हैं बड़े बड़े, ये सारे कहाँ से आते हैं, वुड से आते हैं, राइट, ऑफ कोर्स वुड से आते हैं। ये वुड कहाँ से आ रहा है, कभी सोचा है आपने, ये वुड कहाँ से आता है? ऑफ कोर्स कभी कभी जो है ये साल के, जो आप लोग सुनते होंगे कभी कभी की साल की लकड़ी का है या टीक, ये सारे क्या है, प्लांट्स होते हैं, राइट, ये सारे ट्रीज होते हैं। अब जब तक हम इन ट्रीज को काटेंगे नहीं, मुझे वुड नहीं मिलेगा, राइट, वुड नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा। सो हम लोग फर्नीचर बनाने के लिए भी डिफॉरेस्टेशन का सहारा लेंगे, ओके। देन यूजिंग वुड एज फ्यूल, बहुत सारे गांव में आपने देखा होगा, छोटे छोटे जो कस्बे होते हैं, कस्बे मैं बोल सकती हूँ, या फिर जो छोटी छोटी जगहें होती हैं, जो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, आउट ऑफ मीन्स रूरल एरियाज जो होते हैं, वहां पे लोग क्या करते हैं, आजकल तो बहुत ही मॉडर्नाइज हो गया है, वहां भी सब गैस का यूज करते हैं, एंड सारी चीजें अभी अवेलेबल हो गई हैं। बट जब पहले था तो पहले लोग, अभी भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वुड को फ्यूल की तरह यूज करते हैं, उस पर खाना बनाते हैं लकड़ी को जला करके। तो ये कैसे आएगा, लकड़ी कहाँ से आएगी, डिफॉरेस्टेशन से आएगी, पेड़ नहीं काटेंगे तो कैसे आएगी, राइट। तो ये सारी जो चीजें हैं इनके लिए हम डिफॉरेस्टेशन का सहारा लेते हैं, राइट। क्लियरिंग द फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करना फॉर सम अदर पर्पसेस, फॉर सम अदर पर्पसेस क्या है, ये सारे हैं, राइट, इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। इससे ही हम लोग डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, राइट। अब हम लोग जानते हैं, अब हम लोग ये जानेंगे कि ये डिफॉरेस्टेशन होता कैसे है, राइट, होता क्यों है। तो सबसे पहले तो ये मैन मेड कॉजेज हो गए, जो हमको यूज है तो मैंने काट दिया, राइट। अब आते हैं नेचुरल कॉजेज, राइट, नेचुरल कॉजेज क्या क्या होते हैं डिफॉरेस्टेशन के।
फॉरेस्ट फायर आपने सुना है कभी? फॉरेस्ट फायर मींस आग लग जाना, ऑफ कोर्स फॉरेस्ट में आग लग जाना. ओके तो ये फॉरेस्ट फायर आता कहाँ है? क्या कोई माचिस डाल के ऐसे जला देता है फॉरेस्ट को? नो, ऐसा नहीं होता. कभी कभी क्या होता है कि लाइटनिंग से भी फॉरेस्ट फायर हो जाता है. लाइक बिजली अगर गिरेगी कहीं तो उससे भी फॉरेस्ट फायर लग जाता है. और सारे जो अब जो पेड़ पौधे हैं वो क्या है, वुड है, पत्ते हैं, ये सब तो जल सकते हैं आसानी से, राइट? तो ये सब जल जाते हैं. तो अल्टीमेटली क्या हुआ, फॉरेस्ट लैंड क्लियर हो गया, राइट? तो ये डिफॉरेस्टेशन हो गया. ओके एंड द नेक्स्ट इज ड्रॉट. ड्रॉट मींस सूखा पड़ जाना, राइट? अब जो सूखा पड़ जाएगा, प्लांट्स को अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, मिनरल्स नहीं मिलेंगे, पानी नहीं मिलेगा, तो प्लांट तो खुद ही मर जाएगा. तो ये क्या हुए, नेचुरल कॉजेस हो गए, राइट? अब ये जो अपने से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लाइक फॉरेस्ट फायर से हो रहा है या फिर ड्रॉट से हो रहा है, तो ये क्या हो गया है, ये नेचुरल कॉजेस है, राइट? पेड़ सारे क्या हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो पेड़ सारे खुद ब खुद ही मर जा रहे हैं, राइट? एंड जो एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट उनसे छिन जा रहा है, राइट? लेट्स लुक एट द मैन मेड कॉजेस, राइट, और कंसीक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. ओके अब ये तो हो गया मैन मेड कॉजेस, मैंने आपको बताया कि क्या क्या हो सकता है, राइट? इसके लिए हम लोग फॉरेस्ट को काट सकते हैं. ये आ गया नेचुरल कॉजेस. ये फॉरेस्ट फायर और ड्रॉट है नेचुरल कॉजेस. ये भगवान का बनाया हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, राइट? आप कुछ नहीं कर सकते, राइट? कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता इसमें. ओके पर ये जो हम कर रहे हैं मैन मेड कॉजेस हैं, इनका हम कुछ कर सकते हैं, राइट? अब इसका इफेक्ट क्या हो रहा है वो हम देखेंगे अगले स्लाइड में, राइट? इसका जो इफेक्ट है वो हम पे इफेक्ट क्या होगा, राइट? इसका जो इफेक्ट होगा वो हम पे क्या होगा, ये हम देखते हैं. ओके अब जब मैंने डिफॉरेस्टेशन कर दिया है, राइट, तो अब आपको क्या लगता है कि पेड़ पौधे अगर कम हो जाएंगे तो सबसे पहली चीज क्या होगी? तो सबसे पहली चीज होगी इंक्रीज इन टेम्परेचर, पॉल्यूशन लेवल, राइट? आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, 7 में पढ़ा होगा, राइट? ये तो 8 है. तो जो वाटर साइकिल होता है उसमें क्या होता है, वाटर इवेपोरेट होके जाता है ऊपर, राइट? जो नेचुरल वाटर बॉडीज हैं उसमें से वाटर इवेपोरेट होकर के जाता है ऊपर, फिर बारिश होती है, एंड देन सो एंड सो. और आपने ये भी पढ़ा होगा कि ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनिंग, राइट? जहां ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं वहां ज्यादा बारिश होती है, राइट? पढ़ा होगा आपने. तो अगर जो हमारे पास पेड़ पौधे कम होंगे तो क्या होगा, बारिश कम होगी, अल्टीमेटली क्या होगी, गर्मी ज्यादा लगेगी. आप जब गर्मी होती है एकदम बहुत जोर की गर्मी, तो आप लोग क्या बोलते हैं, ओहे भगवान बारिश हो जाए प्लीज. तो क्या होता है, बारिश से जो है टेम्परेचर डिक्रीज होता है अर्थ का, राइट? तो अगर जो बारिश नहीं होगी, ट्रीज नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, तो अल्टीमेटली इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा. ओके एंड पॉल्यूशन लेवल कैसे इंक्रीज होगा ये भी देख लेते हैं. अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा कि ये जो नदी वदी है इसमें जो हम लोग कचरा फेंक देते हैं, ये जो बह के चले जाता है, राइट? अगर नदी सूख जाए तो, नदी सूख जाए तो कचरा वहीं का वहीं रह जाएगा, राइट? ये क्या बनेगा, पॉल्यूशन का एक कारण बनेगा, राइट? अब आइए देखते हैं दूसरे क्या क्या चीजें हो सकते हैं. इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एयर दैट गिव्स राइज टू ग्लोबल वार्मिंग. अब क्या होगा कि ये जो प्लांट्स हैं ये हमें क्या देते हैं, सबसे जरूरी चीज ऑक्सीजन, जो कि हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है, राइट? हमें सांस लेने के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है. ऑफकोर्स ये ऑक्सीजन जो हमारे पास अगर नहीं रहेगा
कम रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ेगा। अब कैसे बढ़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट? ये जो प्लांट्स होते हैं ये ऑक्सीजन हमको देके हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, आपने पहले पढ़ा होगा, राइट। तो अगर जो हम पेड़ नहीं लगाएंगे, पेड़ नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ जाएगा, कोई पेड़ ही नहीं होगा लेने के लिए, राइट। तो ये क्या करेगा इन टर्न? ग्लोबल वार्मिंग को राइज करेगा, यानी कि अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाएगा, राइट। CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, टेम्परेचर इससे बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ये आप लोग सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, अर्थ का जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है, किसके कारण? पॉल्यूशन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट के कारण, राइट। सो इसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज डिक्रीज्ड रेनफॉल एंड सॉइल फर्टिलिटी। ओके, मैंने जब आपको क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सॉइल फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज होती है, रेनिंग से इंक्रीज होती है, एंड माइक्रोब से जो सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं उनसे भी इंक्रीज होती है। अगर रेनफॉल नहीं होगा, जो मैंने इसमें बताया कि पेड़ पौधे नहीं रहे होंगे तो क्या होगा, रेनफॉल कम होगा, राइट। अब रेनफॉल कम होगा तो आपको नहीं लगता कि सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाएंगे, राइट, हो जाएंगे ऑफ कोर्स। तो ये होगा इसका और एक कंसीक्वेंस, एक और इफेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन विच लीड्स टू डेजर्टिफिकेशन। अब ये जो सॉइल इरोजन वर्ड है ये आपने पढ़ा होगा पहले, मैं फिर से बता देती हूं, ये सॉइल का लेयर है, राइट, बहुत सारे लेयर होते हैं सॉइल के, राइट। अब ये जो टॉप लेयर है ये सबसे फर्टाइल होता है, राइट, सबसे फर्टाइल होता है। अगर जो ये टॉप लेयर हट जाए, टॉप लेयर हट गया, राइट, तो हमारे पास क्या बचेगा, नीचे के लेयर्स बचेंगे जो कि कम फर्टाइल होगा, राइट। तो रिमूवल ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, राइट। अब ये जो सॉइल इरोजन हो रहा है, अगर सॉइल इरोजन हो रहा है तो क्या होगा, सॉइल का टॉप मोस्ट लेयर हट गया, जो फर्टाइल सॉइल था हमारे पास वो हट गया। अब ये लेयर हटते हटते ये लेयर भी हटेगा, ये भी हटेगा, एक ऐसी लेयर आ जाएगी जो कि बिल्कुल फर्टाइल नहीं रहेगी, सिर्फ ग्रेन्स की तरह होगी, जैसे सैंड होता है, राइट। सैंड में आप कुछ भी उगा सकते हो, पेड़ पौधे, कैक्टस उगता है, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूं, राइट। पेड़ पौधे जो खाने पीने की चीज होती है वो नहीं उगा सकते हो, राइट, क्योंकि वो कम फर्टाइल है, वो वाटर को होल्ड नहीं कर सकता अपने पास ज्यादा देर, राइट, अलग अलग होता है। तो ये जो सैंड है ये अलग अलग होता है, वाटर होल्ड नहीं कर सकता खुद में, ग्रेन्स की तरह होता है, राइट। तो सॉइल ऐसा ही हो जाएगा अगर रेनफॉल नहीं होगा, अगर सॉइल इरोजन होगा, टॉप मोस्ट लेयर अगर हट जाएगी सारी, तो नीचे की जो रॉकी लेयर्स है, आपने पढ़ा होगा पहले क्लासेस में, पिछले क्लासेस में, कि ये सॉइल है, सॉइल की चार पांच लेयर्स होती हैं, उसके बाद ये धीरे धीरे पहले छोटे पत्थर बनते हैं, राइट, फिर बड़े आने लगते हैं, फिर उससे बड़े पत्थर आते हैं। ऐसे पढ़ा होगा आपने कि सॉइल के बाद एक रॉकी लेयर आ जाती है, राइट। सॉइल ग्रेन्स के बाद फिर मान लीजिए कि पहले छोटे छोटे सॉइल ग्रेन्स हैं, फिर उससे थोड़े बड़े बड़े आएंगे, राइट, फिर उससे थोड़े बड़े आएंगे, उससे थोड़े बड़े आएंगे, ऐसे करके क्या होगा कि एक रॉकी लेयर आ जाएगी नीचे में। तो अगर जो टॉप मोस्ट सॉइल रिमूव हो जाए तो आपको क्या लगता है कि रॉकी लेयर ऊपर नहीं आएगी? आएगी, जरूर आएगी। वो जो पत्थर वाली लेयर है, जो छोटे छोटे जो मैंने ग्रेन्स बताया वो पत्थर ही है, जो सैंड है वो छोटे छोटे पत्थरों से ही बना है।
तो जो पत्थर है उसमें आप क्या उगा सकते हो, पेड़ पौधे, राइट? जो आप एक बड़ा सा पत्थर ले लो, उसके बीच में लगा दो सीड, क्या वो उगेगा? कभी नहीं उगेगा, क्योंकि वो फर्टाइल नहीं है, वो तो रॉक है, वो सॉइल थोड़ी है, राइट? तो अगर जो सॉइल है वो सैंड की तरह हो जाएगा, तो डेजर्ट में क्या होता है? डेजर्ट में सैंड होता है, राइट? तो अगर हमारा जो सॉइल है वो सैंड की तरह हो जाएगा तो क्या बचेगा? डेजर्ट बन जाएगा। उसी को हम बोलेंगे डेजर्टिफिकेशन। ये जो डेजर्टिफिकेशन वर्ड है ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, पर इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूं। तो इसका मतलब आप लोग समझ जाइए, इसका डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगा, राइट? इसे आप मेमोराइज कीजिए, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, नाउ लेट्स लुक इनटू द फिफ्थ कंसीक्वेंस, डिक्रीज इन इल फिल्टरेशन रेट लीडिंग टू फ्लड्स। नाउ व्हाट इज इनफिल्ट्रेशन रेट? अगर ये जो सॉइल है मेरे पास, मान लीजिए कि ये सॉइल है, मैंने इस पर पानी गिराया, ओके, वाटर गिराया, ओके, इस पर मैंने वाटर गिराया, तो जो नॉर्मल सॉइल क्या होता है, वो वाटर होल्ड कर लेता है, रोक लेता है अपने पास, राइट? सोख लेता है वाटर को, राइट? समझ में आ रही है बात आपको? तो अगर मेरे पास सॉइल फर्टाइल नहीं है, अगर वो वाटर को होल्ड नहीं कर सकता, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है। मैंने आपको क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में बताया था कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्यों जरूरी है और ये क्या होती है, राइट? अगर उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है तो वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगा अपने पास, राइट? पानी जो है बह जाएगा। अब मान लेते हैं कि कभी जो नदी का पानी है उसका लेवल इंक्रीज हुआ, अगर पानी फील्ड्स में आ गया या जहां सॉइली रीजन है वहां आ गया, अगर वो सॉइल फर्टाइल नहीं होगा, अगर वो वाटर होल्ड नहीं कर पाएगा अपने पास, तो आपको क्या लगता है, वो पानी बह के नहीं जाएगा? बह के क्या होगा? फिर वो फ्लड आएगा, राइट? फ्लड आएगा। जब सॉइल वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? फ्लड्स आएंगे, वाटर तो बह जाएगा, राइट? तो क्या होगा? फ्लड के चांसेस होंगे, बाढ़ जिसे हम कहते हैं, इसके चांसेस होंगे। तो आज की क्लास में आपको पता चला कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, उसके कॉजेस क्या होते हैं, राइट? एंड उसके कंसीक्वेंस कितने भयानक हो सकते हैं, डे टू डे लाइफ में हमें कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं उसके वजह से। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट व्हाट? वी विल टॉक अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हम लोग इस डिफॉरेस्टेशन से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या तरीके हैं हमारे पास, राइट? सो कीप वॉचिंग, डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।